जो होना था वो तो हो गया, अब इस रोने धोने से क्या फायदा? मिशी वो तो कुछ नहीं धो रही है, वो तो सिर्फ रो रही है। असगर की तो मैं सारी जिंदगी अब शक्ल नहीं देखूंगी, ये तो मैंने फैसला कर लिया। अरे चुन्नी को पाल पोस कर बेटी बनाकर मैंने रखा अपने पास, और वो पल भर में अपना हक जता के उसको लेके चला गया। अरे इतनी छूट दे रखी है उसने अपनी उस बीवी को, उस काले मुंह वाली को, कि उसने एक मिनट में चुन्नी की किसी जगह बात भी पक्की कर दी। जी को कितने मान से मैं लेके आई थी उसे यहाँ पढ़ाने के। हाय अल्लाह आंटी जी, इस घर को किसकी नजर लग गई, चुन्नी वापस गांव चली गई, कितनी अच्छी फ्रेंड थी मेरी। अरे तुम्हारे बाप को भी बुला के मैं यह फैसला करवाऊंगी कि अगर चुन्नी की तरह वो भी तुम्हें यहाँ से लेके जाना चाहता है तो ले जाए, मेरी तरफ से आज ही ले जाए, अभी ले जाए। नहीं वो आंटी आप फिक्र ना करें, जब तक इस घर की टेंशनें खत्म नहीं हो जाती मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। अरे 12 साल से तुम लोगों को यहाँ पर रखा अपने पास, मैंने अपनी बेटियां बना दी, तुम्हें पढ़ाया लिखाया, और अब तुम्हारे माँ बाप जब उनका जी चाहे तुम्हारी चुन्नी की तरह किसी जगह भी बात पक्की कर देंगे क्या? नहीं पापा, हमारे अब्बा ऐसा नहीं करेंगे। ये तो उसके आने पर फैसला होगा। हाय मेरी चुन्नी, मेरी मासूम बच्ची, पता नहीं किस हाल में होगी, उसकी उस कलमुही माँ ने पता नहीं किस गामे साजे से उसकी बात पक्की कर दी। मिशी यहाँ पे तो कुछ इमोशनल सीन शुरू हो गया है, चलते हैं यहाँ से प्लीज। जीकू चलो फिर मिल्क शेक बनाते हैं जाके। पता मुन्नी मैंने सुना है कि सुबह सुबह जो ओस पड़ती है ना उससे चेहरे की जंग फ्रेश हो जाती है। चलो और टेरेस पे चल के बैठते हैं। मगर मिशी इस वक्त तो दिन के 12 बज रहे हैं। तो क्या हुआ, सुबह सुबह तो है ना। मगर दिन के 12 बजे ओस कहाँ से आएगी, आगे बरसाती हुई धूप है बाहर। हाय वाकई, उससे तो स्किन फ्रेश होने के बजाय जल के जामनी रंग की हो जाएगी। जामनी रंग की? हाँ, और बाल येलो कलर के हो जाएंगे, अंग्रेजों जैसे। नहीं, जले हुए, सड़े हुए, पीले, छल्ली की तरह के बेजान। तोबा तोबा, और ये चेहरे की जिल तो पैरों जैसी हो गई है। हाँ चलो छोड़ो, उस दिन जो मास्क लाई थी ना वो लगाते हैं, कल सुबह ओस पड़ने के वक्त उठ जाएंगे। ठीक है, पहले तुम लगा लो ना। पहले बांध। हाँ मैं भी। दादा ना उंगलियां मारो, डोबे लगा रही है। क्या मतलब है, और कैसे लगाऊं? क्या बात है, बहुत हसीन है, बिल्कुल बदुए लग रही हो, ये मलीदा मुंह पे मल के। कम्मो एक तो ये मलीदा नहीं फेशियल मास्क है जो तुम अपनी पॉकेट मनी से अफोर्ड नहीं कर सकती, और वैसे भी जब हम इन 20 तहों में छुपा हुआ अपना हसीन चेहरा बाहर निकालेंगे ना तो फिर तुम देखना। तुम भी कहोगी काश मैं भी इतनी हसीन और जमील हो सकती। खैर हसीन तो मैं वैसे ही हूँ, और ये जमील और शकील बनने का मुझे बिल्कुल कोई शौक नहीं। चलो चीकू एंटी के पास चलते हैं। चीकू तो खाने पीने की चीजें देख के ना अपने होशो हवास ही खो बैठता, देखो छिलके कहाँ फेंक गया। शुक्र करो छिलका फेंक दिया है, खा नहीं लिया। साइड पे कर देती हूँ, कोई फिसल के ना अपनी हड्डी पसली तोड़वा बैठेगा। उफ, और किसी का खूबसूरत चेहरे को भी कुछ हो सकता है। तौबा करो मुन्नी, तौबा करो। अच्छा तुम किचन में जाके ना चाय का पानी रखो, मैं ऊपर से टोनर लेकर आती हूं। ठीक है। हुस्न वालों से अल्लाह बचाए, मां जवानों
एमनीशिया। मेरी जान, मेरी बच्ची, कुछ बोल तो सही, कुछ तो बोलो। चीकू बेटा, ये क्या हो गया? मम्मी, डॉक्टर्स ने कहा है कि चोट तो ज्यादा शदीद नहीं है, मगर मिशी की याददाश्त चली गई है। क्या? चीकू, देखा देखा तेरा खाना पीना आज क्या रंग लेके आया है। अरे खाने को देख के तो तू पागल हो जाता है, इसीलिए तो हमें आज ये दिन देखना नसीब हुआ है। हाय अल्लाह, मेरे भाई को पता चला तो वो क्या सोचेगा कि फूफी भतीजियों का ख्याल ही नहीं रख सकी। मम्मी आप फिक्र ना करें, जिसने दर्द दिया है वही दवा भी देगा। मम्मी, चीकू बेटे, ये मोहम्मद अली जेबा की कोई फिल्म नहीं है, ये मेरी जिंदगी के दुख और दर्द हैं जो एक दिन मेरी जान लेकर ही छोड़ेंगे। हाय अल्लाह चीकू, क्या मिशी को कुछ भी याद नहीं रहा? हाँ चीकू, क्या मिशी को सब कुछ भूल गया है? क्या उसे हम भी भूल गए हैं? क्या उसे लाला मुसा भी भूल गया है? हाय, क्या वो मेकअप करना भी भूल गई है? क्या वो कभी ठीक नहीं होगी? वैसे दिमागी हालत तो तुम दोनों की भी ठीक नहीं है। क्या मतलब है? मतलब ये कि डॉक्टर्स ने कहा है कि मिशी की याददाश्त सिर्फ उस सूरत में वापस आ सकती है कि इसे दोबारा वैसी चोट लगे। तो हम इसे दोबारा पौड़ियों से धक्का दे देते हैं ना? हाँ हाँ चीकू, तुम फिर से केले का छिलका फेंक दो ना। चीकू बेटा, तुम मिशी के पास बैठो, इसका ख्याल रखना, ठीक है? मैं जरा किचन से मिर्चे लेके आती हूँ, अपनी बेटी के ऊपर से वारूंगी। मिशी, मैं चीकू। मिशी, मुझे पहचानने की कोशिश करो। चीकू, तुम तो रहने ही दो, तुम्हें देख के तो वो कभी होश में आने का सोचेगी भी नहीं। मिशी, क्या तुम्हें मैं भी याद नहीं हूँ? मिशी, मेरा ख्याल है इसे ना मेकअप की चीजें दिखाते हैं, वो तो याद ही होंगी। हाँ, that's a good idea. दिखाओ दिखाओ। जी, ये देखो। मिशी, ये तो तुम्हारी अपनी चीजें हैं। मिशी, इनको तो पहचानो ना। मिशी। हाँ मिशी। देखा? देखा? मैंने कहा था ना, ये मेकअप की चीजें नहीं भूल सकती। लिपस्टिक लगाओ। शुक्र है, इसको ये तो याद है। लो, लिपस्टिक याद है, मैं नहीं याद। चीकू, ऐसा लगता है कि इसकी याददाश्त वापस आ रही है थोड़ी थोड़ी। तो और क्या, ऐसे ही बात का बतंगड़ बना दिया। खैर, अब गलती तुम्हारी थी। तो इसे केले का छिलका नजर नहीं आया? चलो अब छोड़ो ना, बस दुआ करो ये जल्दी से ठीक हो जाए। मुन्नी, तो जरा मिशी का मेकअप और गहरा करना, यहाँ पर रूज लगा, इसको कोई और लिपस्टिक लगा गहरी वाली। हाँ मम्मी, ताकि ये मेकअप से वेकअप हो जाए। मुझे परेशान मत कर चिकू, मुझे मत मजबूर करो कि मैं अपना सर किसी दीवार में दे मारूं। मम्मी, मैंने क्या किया है? मैं कह रही हूँ तू खामोश होके बैठा रहे। मुन्नी, और मिशी के पास सिर्फ वही चीज रहने दो जो इसे पसंद हो। मैं ही मिशी को अच्छा लगता हूँ। आप पलू चा पलू। हाय अल्लाह, ये कैसी जुबान बोल रही है? कमो, तू चुप कर जा। अरे शुक्र कर, मेरी बेटी कुछ बोलनी तो है। चलो मिशी, जल्दी से बताओ तुम्हें कौन अच्छा लगता है। कुरकुर सुम्बा। हाय अल्लाह, ये तो कोई जंगली वाली जुबान बोल रही है। गुलगुल सुम्बा। शाबाश शाबाश मेरी बच्ची। चापलू शापलू। ऐसा लगता है मिशी ज़हनी तौर पे जंगलों में पहुंच गई है। हाँ, सुना है कि इंसान पहले बंदर ही था और जानवरों के साथ रहता था जंगलों में। यकीनन उस जमाने में पहुंच गई है मिशी। मिशी, तुम्हें कुछ चाहिए? हाँ हाँ, बोलो बोलो, मेरी बच्ची ने कुछ खाना है? हाँ? हाय अल्लाह आंटी, आखिर आप ये क्या बना रही हैं? कुछ बताएं तो सही ना। ये मैं एक बहुत बड़े पहुंचे हुए हकीम से लाई हूँ दवाई। पप्पू, वो कहाँ पहुंचे हुए थे? लाला मूसा। हे पप्पू, क्या अब्बा को भी ये बात पता चल गई है? खुदा के लिए मेरे हाल पे कुछ रहम करो। पप्पू, ये क्या आप मिशी को खिलाएंगी? हाय अल्लाह आंटी, वो तो पहले ही जंगलियों वाली जुबान बोल रही है, ये खा के तो वो बिल्कुल जंगली हो जाएगी। मैं कह रही हूँ मेरे मामलात में मत दखल दो। अरे अपनी जो करतूते करनी थी वो तो तुम लोगों ने कर ली, अब मुझे तो इतना टेंस मत करो कि मेरी रगे भी फट जाए। निकलो यहाँ से दोनों, निकलो यहाँ से। मिशी है कहाँ? वो बाहर ना लॉन में है चीकू के साथ। चीकू उसकी याददाश्त वापस लाने की कोशिश कर रहा है। हाय, कितना अच्छा है ना मेरा कजिन, कितना ख्याल रख रहा है ना वो मिशी का। मिशी याद करो, तुम आज से 12 साल पहले लाला मूसा से यहाँ हमारे पास पढ़ने आई थी लाहौर, याद करो। काबलू शाबलू। तुम्हें अभी तक लाला मूसा की बातें याद है? अभी तक चिढ़ती हो तुम? मैं तुम्हारा फेवरेट कजन चीकू। कुरु कुरु सुम्बा। कुरु कुरु सुम्बा। अब मैं जैसा कहता हूँ ना वैसे ही करो, मैं तुम्हें बोलना सिखाता हूँ।
ठीक है बोलना। आपलू शापलू। मिशी तुम तो बिल्कुल ही रिटार्ड हो गई हो। तुम्हें नर्सरी का कोर्स भी भूल गए। अब गौर से पढ़ो, जैसा मैं कहता हूं वैसे ही पढ़ो, गौर से। हाय अल्लाह, चीकू इसने कुछ रिमेम्बर किया है? रिमेम्बर तो नहीं अभी किया है, अभी इसे बोलना सिखा रहा हूँ रिटार्ड को। चीकू भैया, वैसे तुम्हें भी दिल के अलावा कोई लफ्ज नहीं मिला था। मुन्नी, हर इंसान और जानवर प्यार की जुबान समझता है। हाँ, और ये बेचारी तो इंसानों की जुबान भूल ही चुकी है। अच्छा मुझे इसे दूसरा लेसन देने दो, और तुम अब गौर से पढ़ना, गौर से। हाय, देखा बेचारी याददाश्त खोने के बावजूद अपने चाचा तुफैल के बेटे अल्लाह वसाया को नहीं भूली। कैसे भूले, वो भी तो उसके इंतजार में बैठा हुआ है। तो सही है ना, ये नालायक तो कुछ भी नहीं सीख रही। चाचा थोड़े से इसको देर यहीं पे बैठा रहने दो, चलो बैठी रहो यहीं पे। मिशी को बोलना तो याद आ गया, मगर इसे बाकी बातें याद नहीं आई अभी। कभी वो तुमसे इतने प्यार से बात कर रही है। हाय अल्लाह चीकू, इसे हमारे नाम नहीं याद आए ना अभी। जी मेरी बच्ची, थोड़ा सा खा ले, थोड़ा सा। ना ना बेटे, मैं तेरी फूफो, ले थोड़ा सा खा ले। फूफू? हाँ मैं फूफो, तेरी फूफो। मम्मी वो फूफो नहीं कह रही, वो कह रही है फूफू, यानी ये घास फूस परे करे। चीकू मुझे तुझसे किसी नेकी की तवक्को नहीं है, मैं कहती हूँ मुझे इलाज करने दे इस बच्ची का। अब के अगर तू बोला ना, मैं तेरा सिर खोल के रख दूंगी। मेरी बेटी ये ले, थोड़ा सा खा ले, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा खा के देख तो सही तू, चख थोड़ा सा। हाय अल्लाह, ये पट्टे खा के तो बिल्कुल हिनहिनाने लग गई है। मेरी बेटी थोड़ा सा, मेरी खातिर तू थोड़ा सा चख के तो देख। आप ये पॉइजनस पत्ते खिला के मासूम बच्ची को मारेंगे क्या? हाँ मारूंगी, और तुझे तुझे तो सीधा सीधा जहर दे दूंगी, और खुद मैं समंदर में छलांग लगा दूंगी। मगर पुप्पो लाहौर में तो समुंदर नहीं है। तो एंटी कराची चली जाएंगी ना? मगर आजकल तो रावी में भी काफी पानी है ना मम्मी? हाँ बेटा, रावी में बड़ा पानी है, बहुत पानी है। ना खा तू, बेशक भले ना खा मेरी तरफ से। मैंने भी सोच लिया मिशी कि मैं भी अब सीढ़ियों से कूद के अपनी याददाश्त गवा दूंगी, ताकि मैं भी इन सारी फिक्रों से आजाद हो जाऊं। अरे अभी तो चुन्नी की जुदाई कर रोगी मेरे दिल से नहीं गया, पता नहीं मुझे अभी और क्या क्या देखना है। हाय अल्लाह एंटी, आप फिक्र ना करें, आप प्लीज ये खाना खाएं, हम संभालते हैं ना मिशी को। हाय अल्लाह, इसने तो अभी तक बिल्कुल टूटे फूटे सेंटेंसेस बोलने सीखे हैं। चीकू भैया, इसे और भी कुछ सिखाओ ना, कुछ याद कराओ। हाँ भाई, कम से कम पूरे पूरे जुमले तो बोले ना। ग्रामर और इंशा तो इसकी पहले ही काफी खराब थी, याद क्या खाक कराऊं। ग्रामर तो वाकई मिशी की काफी खराब थी, मगर ये इंशा विंशा को उसने नहीं पढ़ा। मुन्नी वैसे सीखने की तो तुम्हें भी काफी कुछ जरूरत है, उर्दू में ग्रामर को इंशा कहते हैं। भाई अब उर्दू मीडियम चीजों का हमें क्या पता। हाँ हाँ, हम तो फ्रांस के रहने वाले हैं, बस पांचवी तक लाला मूसा में पढ़ा तो क्या हुआ। वेरी फनी। अच्छा भैया लड़ाइयाँ छोड़ो, इस बेचारी का भी तो कुछ सोचो। ये क्या क्या, ये मिशी से लिपस्टिक कहते हैं। तौबा अस्तगफार, ये तो मैं मान ही नहीं सकती भाई, ये तो पक्का पक्का ड्रामा है, ये चीजें भी भला इसको भूल सकती हैं। अच्छा मिशी छोड़ो इन चीजों को, और दोबारा से अपनी याददाश्त पे जोर दो, बाकी की सब चीजें याद करनी है अभी। ना ना ये अच्छा अच्छा, क्या कह रही हो? हाय अल्लाह, इसको सब याद आ गया। हाँ मगर जुबान तो अभी भी कोई कबाइली सी बोल रही है। शुक्र करो जंगल से कबीले में तो आई है ना। अच्छा मिशी जल्दी से बताओ हम कौन है। मैं सिंडी क्रॉफर्ड हूँ, ये टॉम क्रूज है, तुम अदाकारा शबनम हो, और ये मारिया वास्ती है। मिशी तुम्हें मेरी दफा में पीटीवी याद आना था। मुन्नी तुम्हें पता है कि मुझे काफी और लोगों ने भी कहा है कि मेरी शक्ल टॉम क्रूज से काफी मिलती है। बिल्कुल सही याद किया मिशी। चीकू बड़ी गलत फहमी है तुम्हें, चलो पप्पू के पास चलो उनको बताएं। मम्मी मम्मी आप क्या पढ़ रही हैं? या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी बेटी को ठीक कर दिया परवरदिगार। खैर अब पूरी तरह से तो ठीक नहीं हुई आंटी। तू चुप कर कमो, अभी देखना मेरी बेटी, अभी देखना मेरी बेटी मुझे बताएगी मैं कौन हूँ,
इधर देख मेरी बच्ची मेरी तरफ। मैं कौन हूँ? आप अनवर मकसूद हैं। बेटे मेरे बाल अभी इतने सफेद तो नहीं हुए कि मैं। तो फिर आप मुइन अख्तर हैं। बेटे मैं फारूक कैसर हूँ। अरे तेरी याददाश्त क्या गई कि तुझे अब मैं मजाहिया लगने लगी हूँ? खैर अक्ल सारी है मैडम को, बस जरा पहचानने में मुश्किल हो रही है। ठहरे मम्मी मैं पूछता हूँ मिशी से। अच्छा मिशी ये बताओ तुम्हें मेरी मम्मी से बहुत ज्यादा प्यार है ना? नहीं। क्या? अच्छा मिशी तुम्हें मुझसे प्यार है ना? नहीं जी नहीं, मिशी को सिर्फ मुझसे प्यार है, हरगिज नहीं। तो फिर तुम्हें किससे प्यार है? इसकी तो वाकई याददाश्त चली गई है। मिशी तुम सच कह रही हो? हाँ टॉम क्रूज। टॉम क्रूज? टॉम क्रूज? टॉम क्रूज? याददाश्त चली गई थी? नहीं बेटे तेरी याददाश्त नहीं गई थी, हम लोग सठिया गए थे। अरे इसे टॉम थंब को तो उठाओ कोई। वो टॉम थंब नहीं, टॉम क्रूज। आप लोगों ने चीकू भैया को टॉम क्रूज कहना शुरू कर दिया? हम लोग नहीं सिर्फ तुम। क्या? तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? मुझे पता है तुम क्यों उदास हो। मैंने ना इसे सब बता दिया कि तुमने इसका कितना ख्याल रखा था जब इसकी याददाश्त चली गई थी। हाँ और तुमने इसे कितने गाने भी सुनाए थे। चीकू देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। मेरे लिए? तुम्हें पता है तुम मेरे फेवरेट कजन हो। सच? मुझ